हेलो एवरीवन, आज का हमारा टॉपिक रहेगा नेशनल पार्क। नेशनल पार्क का अपन कहाँ पे पढ़ेंगे? नॉर्थ ईस्ट, ईस्ट के नेशनल पार्क अपन पढ़ने जा रहे हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क है, सबके नाम बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको सब कुछ याद होना चाहिए। तो आइए सेशन को चालू करते हैं और आज का हमारा पहला स्टेट पढ़ते हैं मणिपुर। ठीक है, आइए मणिपुर। वही अपन सबसे पहले नेशनल पार्क की संख्या, मणिपुर में नेशनल पार्क की संख्या, नेशनल पार्क ओनली राष्ट्रीय उद्यान अपन पढ़ रहे हैं और कुछ भी नहीं पढ़ रहे हैं। मणिपुर में नेशनल पार्क की संख्या है दो। कितने हैं? दो नेशनल पार्क है। आइए पहला नेशनल पार्क लिखते हैं किबोल। किबोल लैमजाओ नेशनल पार्क, किबोल लैमजाओ नेशनल पार्क। इसको नेशनल पार्क कब बनाया गया था? सबसे इंपॉर्टेंट बात, 1977 में इसको नेशनल पार्क बनाया गया था। और नोट डाल के आप जहां भी लिख रहे हैं इसको लिख लेना, यह लोकटक झील पे स्थित है। कौन से झील पे स्थित है? लोकटक झील पे यह स्थित है। और दूसरा पॉइंट कौन सा होगा? दूसरा पॉइंट, विश्व का एकमात्र तैरता हुआ नेशनल पार्क कौन सा है? विश्व का एकमात्र तैरता हुआ नेशनल पार्क है किबोल लैमजाओ नेशनल पार्क, जिसको नेशनल पार्क 1977 में बनाया गया। लोकटक झील पर यह स्थित है। और कौन से राज्य में स्थित है? यह भारत के मणिपुर राज्य में स्थित है। कौन से राज्य में स्थित है? मणिपुर राज्य में स्थित है। तो पहला हो गया। आइए नंबर दो, मणिपुर में नंबर दो लिखते हैं शिरुई नेशनल पार्क। शिरुई नेशनल पार्क यह भी कहां स्थित है? मणिपुर में स्थित है। और शिरुई को शिरुई नेशनल पार्क का नाम क्यों रखा गया? बहुत बार एक बार पूछा गया सवाल है, कौन सा नाम, किस फूल पर इसका नाम रखा गया है? लिली का फूल आता है ना, लिली का, उसकी वजह से इसका नाम शिरुई नेशनल पार्क रखा गया है। ध्यान रखना, लिली फूल से संबंधित है। किससे संबंधित है? लिली फूल से संबंधित है। अपने देखो क्या क्या पढ़ा, मणिपुर, मणिपुर में दो नेशनल पार्क है। दो नेशनल पार्क कौन कौन से हैं? किबोल लैमजाओ नेशनल पार्क, विश्व का एकमात्र तैरता हुआ नेशनल पार्क कहां स्थित है? मणिपुर में स्थित है। और शिरुई नेशनल पार्क। अब आते हैं मेघालय पे, कहां पे आते हैं? मेघालय पे। देखो वही पहला सवाल, मेघालय में नेशनल पार्क की संख्या दो। कितनी है? दो। पहला लिखिए बालफाक्रम, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बालफाक्रम नेशनल पार्क कौन सा नाम, कौन सा है? बालफाक्रम नेशनल पार्क, सन 1985 में इसको नेशनल पार्क का दर्जा दे दिया गया था। सन 1985 में इसको नेशनल पार्क का दर्जा दे दिया गया था। और फेमस क्यों है? लाल पांडा के लिए फेमस है। किसके लिए फेमस है? लाल पांडा के लिए यह फेमस है। आइए और देखो, बालफाक्रम नेशनल पार्क और दूसरा नेशनल पार्क है, दूसरा नेशनल पार्क भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। दूसरा नेशनल पार्क है नौकरेक, बहुत बार नौकरेक नेशनल पार्क। अब कोई सब एग्जाम देने जाना आपको हमेशा मिलेंगे 1986। और लिखिए यह है बायोस्फीयर में रिजर्व है। कहां पे भारतीय बायोस्फीयर में यह रिजर्व है? बायोस्फीयर क्या होता है? बायोस्फीयर होता है एक ऐसा क्षेत्र जहां पे वन्य जीवों का संरक्षण व प्रवर्धन के लिए एक क्षेत्र निर्धारित कर लिया जाता है, जहां पे उनकी सभी सुविधाओं का ख्याल रखा जाता है। स्क्रीन पे आप बायोस्फीयर का देख पा रहे होंगे, इसको एक बार आप पढ़ ले। ठीक है, तो बायोस्फीयर में कौन सा है? नौकरेक नेशनल पार्क और बालफाक्रम। आपको याद हो जाएगा यह 1985 में बना, यह 1986 में बना। ठीक है, फेमस क्यों है ये? लाल पांडा के लिए, बालफाक्रम। तो देखो अपने क्या क्या पढ़ लिया अभी तक अपन ने, मणिपुर में नेशनल पार्क की संख्या दो नेशनल पार्क है, किबोल लैमजाओ नेशनल पार्क वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, लोकटक झील पे यह स्थित है, विश्व का एकमात्र तैरता हुआ नेशनल पार्क, शिरुई नेशनल पार्क, शिरुई किससे संबंधित है? लिली के फूल से संबंधित है। ये दोनों कहां स्थित है? मणिपुर में स्थित है। फिर अपन ने पढ़ा मेघालय, मेघालय में कौन सा है? बालफाक्रम नेशनल पार्क, इसको 1985 में नेशनल पार्क का दर्जा मिला और लाल पांडा के लिए यह फेमस है। दूसरा अपन ने पढ़ा नौकरेक नेशनल पार्क, नौकरेक नेशनल पार्क 1986 में इसको नेशनल पार्क का दर्जा दिया गया और यूनेस्को विश्व बायोस्फीयर रिजर्व है। ये कौन सा रिजर्व है? बायोस्फीयर रिजर्व है। तो इस पॉइंट को भी आप लिख लेना, पूछ सकता है आपसे यूनेस्को बायोस्फीयर रिजर्व। ठीक है, यहां तक की बात क्लियर हो गई। बायोस्फीयर रिजर्व अपन पढ़ेंगे, लेकिन आप इसको यहां भी आप याद रखें। आइए अगला पढ़ते हैं, अगला आएगा हमारा मिजोरम। मिजोरम, मिजोरम में भी नेशनल पार्क की संख्या कितनी है? दो नेशनल पार्क है। कितनी है? दो। पहले देखिए मुरलेन नेशनल पार्क, मुरलेन नेशनल पार्क, इनके सबके नाम इंपोर्टेंट है, ईस्ट वालों के, ईस्ट के सबके इंपोर्टेंट है, इस बात का आप लोग ध्यान रखना है, ईस्ट के सारे नाम इंपोर्टेंट है, मुरलेन नेशनल पार्क। आइए अब बात करते हैं वही सवाल, मुरलेन को कब इसको नेशनल पार्क बनाया गया था, इसको भी आप याद रखना, 1993 में नेशनल पार्क का दर्जा दे दिया गया था। और इसका अपन दूसरा याद रखेंगे किसका? मिजोरम का।
फाउंटेन, माउंटेन नेशनल पार्क, फोंगकुई माउंटेन नेशनल पार्क, और इसको सन 1992 में नेशनल पार्क का दर्जा दे दिया गया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सेशन है, नाम आपको याद रखना चाहिए। ब्रैड पूछता है बाल पाक्रम नेशनल पार्क स्थित है, कहाँ स्थित है? मेघालय में स्थित है, ठीक है। और नौकरी कहाँ स्थित है? मेघालय में स्थित है। सारे ही इंपोर्टेंट है, मैं किसी के लिए नहीं कहूंगा यह इंपोर्टेंट नहीं है, यह इंपोर्टेंट है, सारे ही इंपोर्टेंट है। आइए, दोनों वेरी वेरी इंपोर्टेंट। डायरेक्ट आपको पता है मुरलिया नेशनल पार्क 1993 बनाया गया। सन भी आपको याद रहना चाहिए, सन भी आपसे पूछता है, लिख लेना, सन भी आपसे पूछता है। आपको याद क्या करना है, देखो मिजोरम में नेशनल पार्क की संख्या दो है। देखो एक तो मुरलेन, आपको नाम याद रखना है बस, मुरलेन और फाउंटेन पेन। देखो ये क्योंकि 1993 में यहाँ पे अपन ने पढ़ा क्या, 1985 1986, याद करने का अपन को लफड़ा ही नहीं है। 85 86 93 92 नाम ही तो याद रखने बस। अब आइए सबसे इंपोर्टेंट आता है सिक्किम। सिक्किम में आता है कंचनजंगा नेशनल पार्क। कंचनजंगा नेशनल पार्क को कब बनाया गया था? 1985 में, और लिखिए यूनेस्को विश्व धरोहर में शामिल, यूनेस्को विश्व धरोहर में शामिल। और कब कर लिया गया था इसको? सन 2016 में इसको यूनेस्को विश्व धरोहर में शामिल कर लिया गया था। अब बात करते हैं आगे और चीजों को समझने का प्रयास करते हैं। तो देखो अभी तक मैंने क्या पढ़ा, मणिपुर पढ़ा, मिजोरम पढ़ा, मेघालय पढ़ा, सिक्किम पढ़ा। सिक्किम नेशनल पार्क संख्या एक है। तो अभी तक मैंने देखो कितने हो गए, 2 4 6 और 1 7 नेशनल पार्क अपन पढ़ चुके हैं, सातों के वेरी वेरी इंपोर्टेंट है। अब आते हैं नागालैंड, इसको मिटाते हैं और यहां लिखते हैं नागालैंड नेशनल पार्क। नागालैंड के नेशनल पार्क, अब एडिंग लगा के लिखना, नंबर पांच पे लिखना। नागालैंड में नेशनल पार्क की संख्या कितनी है? एक है। कितनी है? एक है। और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट नाम है, इस बात का आप ध्यान रखना, इतांकी नेशनल पार्क। क्या है? इतांकी नेशनल पार्क। और सन 1993 में इसको नेशनल पार्क का दर्जा दे दिया गया था। कब दे दिया गया था? सन 1993 में। तो देखो मिजोरम मुरले नेशनल पार्क 1993 में, फोंगकुई माउंटेन नेशनल पार्क 1992 में, इतांकी नेशनल पार्क 1993 में। नागालैंड के बारे में अपन पढ़ चुके हैं। तो नागालैंड में नेशनल पार्क की संख्या कितनी हो गई? एक हो गई। कितनी हो गई? एक हो गई। आइए अब बात करेंगे, अब हमारे स्टेट बचा आसाम, आसाम और त्रिपुरा। अपन आज आसाम में नेशनल पार्क की संख्या 7 है, अपन उनको कल एक साथ कवर करेंगे। अब बात करते हैं अपन अपना लास्ट स्टेट आज का, त्रिपुरा। त्रिपुरा में नेशनल पार्क की संख्या 2 है, नाम लिखिए बाइसान नेशनल पार्क, बाइसान नेशनल पार्क। यहां से इसको रफ करते हैं, स्क्रीनशॉट लेना और बाद में आप इसको लिखना। देखिए त्रिपुरा, त्रिपुरा में आता है बाइसान नेशनल पार्क। बाइसान को कब बनाया गया? 2007 में। अब आता है दूसरा, क्लाउडेड लेपर्ड, क्लाउडेड लेपर्ड नेशनल पार्क, यह भी कहां स्थित है? त्रिपुरा में। इसको भी सन 2007 में। धूमिल तेंदुआ नेशनल पार्क, इसका हिंदी नाम याद रखना, धूमिल तेंदुआ नेशनल पार्क कहां स्थित है? त्रिपुरा में स्थित है, और इसको भी सन 2007 में नेशनल पार्क घोषित कर दिया गया था। तो देखो अभी आज अपन ने क्या पढ़ा, रिविजन करते हैं फटाफट एक रिविजन के तौर पर। देखो मणिपुर, मणिपुर में नेशनल पार्क की संख्या 2 थी, दो कौन कौन से थे? किबुल लामजाओ नेशनल पार्क लोकटक झील पे स्थित है। विश्व का एकमात्र तैरता हुआ नेशनल पार्क कौन सा है? किबुल लामजाओ। दूसरा अपने पढ़ा शिरुलिली, तो मणिपुर के हो गए दोनों। फिर अपने आए मेघालय पे, मेघालय में आता है बाल पाक्रम, बाल पाक्रम 1985, नौकरे 1986, और यूनेस्को बायोस्फीयर रिजर्व क्षेत्र है, इस बात का आपको ध्यान रखना था। मिजोरम में अपने पढ़ा मुरले नेशनल पार्क, मुरले नेशनल पार्क का बना था 1991 में। दूसरा अपने पढ़ा फोंगकुई माउंटेन 1992 में। फिर अपन आए सिक्किम, कंचनजंगा नेशनल पार्क 1985 1985 में, और यूनेस्को विश्व धरोहर में शामिल कब कर लिया गया था? सन 2016 में। फिर अपने पढ़ा नागालैंड को, नागालैंड में कौन सा है? इतांकी नेशनल पार्क एक नेशनल पार्क है, और त्रिपुरा में नेशनल पार्क की संख्या 2 है। बाइसान नेशनल पार्क सन 2007 में इसको बनाया गया, और क्लाउडेड लेपर्ड सन 2007 में इसको नेशनल पार्क घोषित कर दिया गया। इसको धूमिल तेंदुआ नेशनल पार्क भी कहा जाता है। आई होप आपको सेशन पसंद आया होगा। कल मिलते हैं, कल अपने एक स्टेट अपना यहाँ से ओनली एक स्टेट छूटा है नॉर्थ ईस्ट में से, वह उसका नाम है आसाम, क्योंकि आसाम में पढ़ना, क्योंकि उसमें बहुत सारी चीजें मैं आपको पढ़ाऊंगा, क्योंकि उसमें बायोस्फीयर भी बहुत सारे आएंगे और विश्व धरोहर भी है और बहुत सारे कंसेप्ट आएंगे। तो अपन पढ़ेंगे आसाम 7 नेशनल पार्क। थैंक यू, धन्यवाद।